और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूं। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100-100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कियों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज का। नमस्कार दोस्तों, जय श्री। तो पहलू खान या सुबोध सिंह के मौत के टाइम जो लोग थे वो हिंदू थे, दंगाई थे, ये स्पेसिफाई करना रवीश कुमार नहीं भूलता। और ये कहता है कि आप समझिए कि आपके लड़कों को दंगाई बनाना है या डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार जब बेंगलोर दंगे की बात करता है तो कहता है कि भाई दंगाई दंगाई होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। इस पूरे बेंगलोर रॉयट केस में, वैसे ये रॉयट नहीं है, ये इंक्लूसिव मॉब लिंचिंग है, इसमें सबको नवीन का कमेंट दिखा है, चाहे वो रवीश कुमार हो, राहुल कमल हो, अभिषाप शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, आरफा खानम हो, इन सबको नवीन का वो कमेंट दिखा है जो मोहम्मद के खिलाफ था। मगर किसी को बशीर का पोस्ट दिखा ही नहीं जिसमें देवी देवताओं का अपमान था। यह जबरदस्त पत्रकारिता है भाई साहब, हाई क्वालिटी चर्सी पत्रकारिता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आज बात करेंगे बेंगलोर दंगे। मगर उस बेंगलोर दंगे को कुछ देर हम लोग धीमी सेकुलरिज्म की आंच पे पकाएंगे। सेकुलरिज्म का आंच ये कहता है कि अगर हिंदू कुछ गलती करे तो वो हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होता है, दंगाई होता है। सेकुलरिज्म की आंच जब तेज होती है तो उसमें मुस्लिम दंगाई सिर्फ दंगाई होता है। यही नहीं, सेकुलरिज्म का जब ओवरडोज होता है तो पता चलता है कि कुछ मुसलमान यूथ मुस्लिम दंगाइयों से मंदिर बचाने का झूठा वीडियो बना रहे हैं। कोई गलती से लौंडा बोल जाता है वीडियो में ही, अबे जल्दी अपलोड कर, क्योंकि भाई बचाने वाला बात है ना। यही पत्रकारिता। दूसरी तरफ राहुल कमल जैसे पत्रकार चरस फूकने के बाद न जाने किस पत्रकारिता के एंगल से नवीन की जिंदगी की तमाम वो जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, जिससे नवीन की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में तो एक जिहादी ने नवीन का सर काटने के लिए 51 लाख रुपए का इनाम रख दिया, लेकिन उसके अकाउंट को जब खंगाला गया तो उस नालायक के पास 5100 रुपए नहीं थे। जबरदस्त सेकुलरिज्म है भाई, गजब। अब पोस्ट आपने देखा है, पोस्ट में हिंदू देवी देवता का अपमान है, देवी के हाथ में साथ में नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान है, अस्तन दे दिया गया था मोदी जी के हाथ में। उसी पे नवीन ने ये कमेंट किया, नवीन ने मोहम्मद साहब की आलोचनात्मक कमेंट की, इस निंदा इस्लाम में हराम है और उसका गर्दन काटने का इजाजत जो है कुरान दे देता है, वाह वाह। इसी को तो कहते हैं सेकुलरिज्म, ये बताना लोग भूल जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, सेकुलरिज्म के आंच को और भकाते हैं, उसी में अब दंगा की मेन जो है पकवान पकेगा। कमलेश तिवारी का गर्दन हलाल किया गया और कमलेश तिवारी ने जहां भी बयान दिया हो, मगर मालदा टाउन में क्यों दंगा हुआ कमलेश तिवारी के नाम पे, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। इस बारे में नीतीश कुमार से पूछेंगे, इस बारे में मोदी जी से पूछेंगे, आडवाणी जी से पूछेंगे। अच्छा, इन लोग से नहीं पूछना है, रवीश कुमार जी से पूछें जो बता रहे थे। ये बात बताना भूल गए कि बुलंदशहर के जिस वाक्य के बारे में रवीश कुमार बता रहे थे, जब मरकज वहां बुलंदशहर में लगा था, सैकड़ों किसानों ने रिपोर्ट लिखवाई थी, उनके बयान दर्ज है कि हमारे गाय जो है गायब हुए। अब इनके लिए इस निंदा है, मगर मेरे ही कमेंट में मुसलमान कमेंट करता है कि हम तो गाय काटेंगे, मगर आपकी धार्मिक भावनाएं तो भाई साहब भड़कती हैं, मगर हमारी धार्मिक भावनाएं तो सेकुलरिज्म के मीलों अस्तर के नीचे दबी हुई है, अस्तर बाई अस्तर, लेयर बाई लेयर लगाया गया है। यही तो सेकुलरिज्म है, इसी को तो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान के हिंदू ढूंढ रहे हैं। यही तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है हिंदुओं को कि ये कौन सा चर्सी सेकुलरिज्म है।
पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, हिंदुस्तान के अंदर कई पाकिस्तान दे दिया, कई जगह हैं केरल में, बंगाल में, जहां अब फ्राइडे को जब रमजान होता है तो हिंदू बच्चों को भी मिड डे मील नहीं मिलता। गूगल कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं नहीं भड़कती हैं? लोग कहते हैं टीवी देखना बंद कर दीजिए, तो चलिए दवाएं ट्यून कर लेते हैं। अभिषाप शर्मा वाला न्यूज क्लिकिंग इन, अब न्यूज क्लिकिंग इन ट्यून करेंगे तो यही देखेंगे ना, गरीब हेडमास्टर का लड़का बुरहान वानी, उसको मार दिया गया भारतीय जवानों के द्वारा। कितना शरीफ था, अपना खुद का जैसे मोहम्मद बनाया था। एलईटी के जवान जिहादी जिहाद पे निकले थे, उसको भारतीय जवानों ने मार दिया। इस दुख में हम गरीब हेडमास्टर के साथ हैं। आइए बात करते हैं गरीब हेडमास्टर से। वाओ, सैफ अली खान तैमूर के पप्पा के अंदाज में बोले तो वाओ। वाओ इसलिए बोले कि तैमूर का छोटा बेटा मतलब भाई आने वाला है, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे। कमाल की जनसंख्या नियंत्रण, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार होते हैं। इसी समझदारी का परिचय देते हुए सैफ अली खान ने दूसरी हिंदू बीवी से भी दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, कुल मिला के 4 बच्चे हो गए। ये पढ़े लिखे इंसान है। हिंदुओं को जन्म घुट्टी 1960 से पिलाई जा रही है, हम दो हमारे दो, मगर दूसरी कम्युनिटी को बताया जाता है कि तुम्हारे साथ तो लिखा हुआ पर्सनल बोर्ड है तुम्हारे साथ, तुम 4 शादी करो, 4 से अगर 2-2 बच्चा भी पैदा किए तो 8। और जनसंख्या ये गैप बढ़ता जाएगा, एक दिन खुद ही माइनॉरिटी से मेजोरिटी में हो जाओगे, और जब माइनॉरिटी से तुम ही मेजोरिटी में हो जाओगे तो हिंदुओं को माइनॉरिटी का अधिकार तो तुम देते नहीं हो पूरी दुनिया में कहीं भी। उसके बाद इस्लामिक शासन। आप लोग को हंसी आ रही है ना, हंसिएगा, क्योंकि आपका भविष्य यही है इस सेकुलर देश में। इस सेकुलर ऐसे न्यूज वक्ताओं के अगर आप न्यूज सुनिएगा तो ये भी वही काम कर रहे हैं। सेकुलर आपको बनाने की ख्वाहिश रखने के बहाने दरअसल इनका एक ही मकसद है, गजवाए हिंद के ये लोग तमाम लोग समर्थक। नौकरी, पैसा, घर सब कुछ था कराची में रहने वाले हिंदुओं के पास, लाहौर के हिंदुओं के पास, या फिर कश्मीरी हिंदुओं के पास, या अभी जो मुर्शिदाबाद में से पलायन हुए वो हिंदुओं के पास, केराना के हिंदुओं के पास, या फिर दिल्ली में पलायन को मजबूर हो रहे हैं हिंदुओं के पास। घर भी था, उस घर पे बोर्ड लगा हुआ है, घर बिका हुआ है। आप क्या कर लीजिएगा जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दंगा रोकने के लिए कई लोग उपाय बता रहे हैं, मगर असली उपाय कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि किताबों में हवा हवाई किताब में भी तो बहुत कुछ संरक्षित है, जहां कहा गया है कि काफिर की औरतें तो माले गनीमत है। ये वाला आपको सेकुलर कोई नहीं ना बताया, हम बता रहे हैं ये सच्चाई है। काफिर को मारना है, जन्नत पाना है, 72 हूर के पास जाना है, ये सब किताब में ना लिखा है जी, तो आप नहीं बदल सकते। और किताब में एक और बात लिखा है कि ऊपर वाले का फरमान है। एक लड़का जो कह रहा है कि हम गाय खाएंगे, उसमें उसने कुतर्क दिया कि आप लोग गाय को माता मान लेंगे तो हम थोड़े न मानेंगे। मैंने यही कहा कि इस्लाम का जन्म ही एक जिद के आधार पे हुआ है कि कुरैशों ने बात नहीं मानी तो उन्हें मार देंगे, यहूदियों ने नहीं मानी उन्हें मार देंगे। दरअसल आपकी राय किसी से नहीं मिलती और जिससे नहीं मिलती उसको आप मार देंगे, तो भाई कहां की सहिष्णुता, फिर कहां का कैसा सेकुलरिज्म। अब मैं एक बात बताता हूं, राय तो मेरी भी नहीं मिलती कि मोहम्मद साहब आए बराक पे चढ़ के 7वें आसमान में खुदा से मिलने गए। अब यहां एक कंफ्यूजन है, जब खुदा का कोई शेप नहीं है, शेपलेस चीज है, तो मिले किससे? ये तो कुरान में ही एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्रडिक्शन करना हो गया। जब बात कीजिएगा तो दोनों तरफ से बात उठेगी ना, जैसे उस पोस्ट में देवी का अपमान हुआ और नवीन ने कॉमेंट किया तो आप खफा हो गए और आपको सिर्फ कॉमेंट दिखा, इसी को तो दोगलापन कहते हैं ना। तो आप मेरी गाय को माता नहीं मानेंगे और आप खाएंगे, यह बिना सोचे कि हिंदुओं की धार्मिक भावना नहीं भड़केगी। और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि बराक से उड़ के 7वां आसमान पे जो है हमारे नबी चले गए खुदा से मिलने, और आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी को भी अगर आप मान लें जो कि 4.7 लाइट ईयर दूर है इस धरती से, वो आदमी 6 घंटे में आके चला गया, 2-3 घंटे मिला भी होगा, तमाम जानकारियां नहीं होंगी, ये कौन सा स्पीड था? आपको पता है ना कि उसके पंख थे बराक के, और वो पंख भी नहीं जले, लाइट की स्पीड से उड़ा, अरे गजब। तो सवाल दोनों तरफ से सवाल जवाब होगा ना, कोई मौलाना मौलवी हो तो जरा बराक पे हमको ज्ञान दे और ज्ञान के चक्षु खोल। बाकी रवीश कुमार से हमको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गौरी लंकेश अवार्ड लो, राहत इंदौरी अवार्ड लो, मुनव्वर राणा अवार्ड लो, आरफा खानम शेरवानी जीते जी उसके अवार्ड ले लो, जितना अवार्ड लेना है ले लो, लेकिन उससे तुम्हारी पत्रकारिता का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ जाएगा, तुम रहोगे वही नीच पत्रकार।
क्योंकि जो मैंने वीडियो दिखाया उसमें तुम्हारी नीचता साबित होती है। तुम दरअसल उस लेबल में हो, या हो सकता है खतना होता करा लिए होगे, हो सकता है जिहादी वादी बन गए होगे। अब छोड़ो यार, क्या लेबल की बात करनी है। नमस्कार, मैं एक्सेस सेवाधारी। लगाओ रोजगार का एपिसोड, रोजगार लेके तो यहाँ का युवा जो है बच ही जाएगा। सबसे पहले अपने आप की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती होती है, वो हमको चाहिए। हमको सुकून चाहिए, और सुकून के लिए जो है ना इस्लाम के लोग पहले गारंटी दे दें, और वो गारंटी एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और कुछ नहीं चाहिए हमको।